हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास 8 दा जो टॉपिक है अपना फैक्टराइजेशन, उन्दे बारे आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। थर्ड पार्ट अपने कोल फैक्टराइज करने आपां, ये सारे अपने राइट साइड दे विच क्वेश्चन गिवन है अपने कोल एच पार्ट तक, आपां ये सारे क्वेश्चनां नूं सॉल्व करना है। तो सब तो पहला आपां देखदे हां जो आइडेंटिटी आपां इत्थे यूज करांगे, जो आपां आइडेंटिटी यूज करांगे दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। दोवां दे उपर स्केयर है, विचाले की है माइनस, सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जे आपां इहनूं देसी भाषा विच याद रखना होवे तां तुसीं याद रख सकदे हो, दोवां नंबर दे उपर स्केयर ते विचाले माइनस, तां एक वार प्लस आ जाएगा विचाले, एक वार की आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हुण आपां एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फस्ट एक्स स्केयर माइनस 225। हम देखो एक्स के उपर तो ऑलरेडी स्केयर है, 225 किसी ना किसी नंबर का स्केयर होएगा, तो सब तो पहले आपको पता होना चाहिए 225 किंदा स्केयर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 15, क्योंकि 15 नू 15 नाल मल्टीप्लाई करिए दैट इज 225। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपना आंसर कितना आया, एक्स प्लस 15 एंड एक्स माइनस 15। एक और प्लस आ गया मिडल, एक और मिडल की आ गया माइनस, सो आंसर इज एक्स प्लस 15 एक्स माइनस 15। जे आप सैकेंड क्वेश्चन देखिए बी पार्ट 289 माइनस ए स्केयर। देखो अपने को ए दे उपर ऑलरेडी स्केयर है, पर 289 दा आपां नूं पता नहीं, तो सब तो पहला 289 दैट इज स्क्वायर ऑफ 17, 17 स्क्वायर माइनस ए स्केयर। तो सेम आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपना आंसर कितना आया 17 प्लस ए एंड 17 माइनस ए। ये अपने को फस्ट दो क्वेश्चन ए ते बी पार्ट। वीडियो नू अंत तक देखो, क्योंकि अपने को जो बाकी क्वेश्चन है इन्हें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं। हुण आपां सी पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले दो अपने को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सी, सी थोड़ा जा अलग। सी अपने को की है 450 माइनस 2x स्केयर, 450 माइनस 2x स्केयर। तो सब तो पहला देखो, ना तो 2 किसी का स्केयर है, ना ही 450 किसी नंबर का स्केयर है, तो सब तो पहला आपां नूं कॉमन कढ़ना पएगा। कॉमन किवें कढ़ांगे आपां, 450 नूं आपां ब्रेक करांगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 5 450। हुण आपां 2x स्केयर नूं ब्रेक करांगे, 2x स्केयर नूं कियां ब्रेक करांगे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि आपां जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करना है, क्योंकि ना तो 450 किसी नंबर का स्केयर है, ना ही 2 किसी का स्केयर है। तो देखो अपने को कॉमन की आ गया 2, मैं 2 बाहर कढ़ लिया, बाकी की बचिया 3 इंटू 5 15, 45 एंड 225 दैट इज 225 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर। जो कॉमन बार कढ़ लिया, बाकी की बचा मेरे को 225 माइनस एक्स स्केयर। हुणे आपां नूं पता, आपां फस्ट क्वेश्चन दे विच देखिया सी 225 किहड़े नंबर का स्केयर है, 15 का, 15 स्केयर माइनस एक्स स्केयर। देखो 225 किहड़े नंबर का स्केयर है, 15 का, माइनस की आ गया एक्स स्केयर। तो सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, सो अपने को आंसर कितना आया 2 इंटू 15 प्लस एक्स एंड 15 माइनस एक्स। ध्यान की रखना है किसी नंबर का स्केयर बन रहा है या नहीं, जे नहीं बन रहा तो आप कॉमन कट के इनू किया सॉल्व करना, जिवें इत्थे आप 2 कॉमन कढ़िया, बाकी 225 15 का स्केयर बन गया, एक्स स्केयर एक्स का स्केयर बन गया। तो अपना आंसर कितना आया 2 इंटू 15 प्लस एक्स एंड 15 माइनस एक्स। उस तो बाद डी पार्ट तुसी खुद सॉल्व कर सकते हो, सेम इन दे नाल दा, इन्हें जो तुसी कॉमन कर सकते हो 3 कॉमन आएगा, बाकी तुसी की है सॉल्व कर सकते हो। हुण आपां ई पार्ट नूं सॉल्व करते हैं, ई एम पावर 4 माइनस एन पावर 4। हुण अपने कोल पावर 4 दे विच आ गई, पर आपां नूं ये पता है 4 की हुंदा, स्केयर दा स्केयर हुंदा, ठीक है। तो आपां इहनूं की लिख सकते हैं, एम स्केयर दा स्केयर एन स्केयर दा स्केयर। देखो पावर 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, जो 4 पावर है नू ब्रेक कर लिया मैं स्केयर दी स्केयर दे विच। हुण देखो उपर दा आइडेंटिटी अप्लाई होएगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे को की बन गया, एम स्केयर प्लस एन स्केयर एंड एम स्केयर माइनस
एन स्केयर जो पावर फोर वे सी मैं दो दे विच ब्रेक कर ली ओके एक ही बन गया एम स्केयर प्लस एन स्केयर एम स्केयर माइनस एन स्केयर एक गल हो याद रखनी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है अपने को इनकी आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली इनू अगे ब्रेक कर सकते हैं पर ए वाला पार्ट की रखना आप सेम रखना ये अपने को सेम आ गया एम स्केयर प्लस एन स्केयर हुण ये देखो दोवों के उपर स्केयर है विचाले की है माइनस तो इन आप किवें लिखांगे एम प्लस एन एंड एम माइनस एन एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कई बच्चे इतने आंसर छड आउंदे आ नहीं उन्होंने अगे भी सॉल्व करना है एम स्केयर माइनस एन स्केयर दोवों उपर स्केयर विचाले माइनस तो एक बार प्लस आएगा एक बार अपने को आएगा माइनस पर जो प्लस वाला है इनू अगे सॉल्व नहीं करना यह सेम आएगा अपने को एम स्केयर प्लस एन स्केयर उस तो बाद अपना एफ पार्ट एफ पार्ट की अपने कोल जो एफ पार्ट है अपने कोल 5m पावर 4 माइनस 125 n पावर 4 5m पावर 4 माइनस 125 n पावर 4 हम देखो 5 किसी नंबर का स्केयर नहीं है 125 भी किसी नंबर का स्केयर नहीं है तो 5 ते 125 चो मैं कॉमन कढ़िया दैट इज 5 तो बाकी की है m पावर 4 माइनस 25 n पावर 4 देखो दोवां चो कॉमन किन्ना है 5 आ गया 5 इंटू एम पावर 4 5 एम पावर 4 5 इंटू 25 किन्ना हो गया 125 हुण इहनू की लिख सकते आपां देखो एम पावर 4 नू की लिखांगे एम स्केयर दा स्केयर 25 नू की लिखोगे 25 नू 5 एन स्केयर दा स्केयर क्योंकि 5 दा स्केयर किन्ना हो गया 25 एन स्केयर दा स्केयर किन्ना हो गया एन पावर 4 आ चीज़ खास ध्यान रखनी है 25 नू की लिख सकते हैं 5 द स्केयर एन दी पावर 4 है तो एन स्केयर द स्केयर हुण अगे नू किवें लिखांगे आपां दोवां उपर स्केयर ते विचाले माइनस तो की बन गया एक और अपने कोल प्लस विच आंसर आ गया दूजी बार की आंसर आ गया अपने कोल माइनस विच हुण जिवें आपां लास्ट क्वेश्चन च कीता सी इस बार नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि 5 दे उपर स्केयर नहीं है जे इत्थे 5 का भी स्केयर बनता हों फिर तो आप अगे सॉल्व कर सकते सी पर हुण इहनू अगे सॉल्व नहीं कर सकते आंसर की रखना पएगा सेम रखना पएगा जे अपने इत्थे कोल 25 हों फिर आप अगे सॉल्व कर देंगे क्यों क्योंकि फिर आप इस तरह बना देना सी 5 एन का स्केयर हुण आप बना नहीं सकते क्यों नहीं बना सकते क्योंकि 5 का जो स्केयर करांगे 25 बन जाएगा पर इत्थे ओनली किन्ना है 5 है तो आंसर अपने कोल यही आएगा ये चीज़ नूं आपां नहीं लिख सकते खास तौर पर ध्यान रखना है स्केयर बनना चाहिए उपर होल स्केयर जे होल स्केयर नहीं बन रहा तो अगे सॉल्व नहीं कर सकते उस तो बाद अपने कोल जी पार्ट है जी पार्ट की अपने कोल ए वाई स्केयर माइनस 81 ए एक्स स्केयर हुण ए वाई स्केयर वाई दे उपर तो स्केयर है पर ए दे उपर स्केयर नहीं है राइट साइड से भी अपने कोल की है ए है तो कॉमन लै सकते आप कॉमन अपने कोल की है ए बाकी की आ गया वाई स्केयर माइनस 81 एक्स स्केयर हुण आप इनू कह नहीं सकते भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी बन गई क्यों नहीं बने क्योंकि 81 नू अजे आप ब्रेक नहीं किया सब तो पहले इनू आप लिखांगे वाई स्केयर माइनस 9 एक्स होल स्केयर क्योंकि आपू होल स्केयर के कन्वर्ट करा ठीक है 81 कि स्केयर होंगे 9 का तो 9 एक्स का की आ गया होल स्केयर हूँ आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर दोवों उपर स्केयर विचाले की है माइनस तो आप लिखांगे एक बार प्लस आ गया अपने को वाई प्लस 9 एक्स दूजी बार की आ गया वाई माइनस 9 एक्स ये अपने को आया फाइनल आंसर तुम इतों ही नहीं लिखना कई बच्चे इतों ही लिख देंगे इस तरह वाई प्लस 81 एक्स वाई माइनस 81 एक्स ये चीज़ की अपने को रोंग है क्योंकि 81 नू भी किसी ना किसी नंबर का पहला स्केयर बनाना पएगा ओके 81 किंदा स्केयर है 9 का हुण दोवां दे उपर स्केयर विचाले माइनस एक बार प्लस आ गया एक बार की आ गया अपने को माइनस उस तो बाद लास्ट पार्ट एच एच पार्ट की अपने को 20 जैड स्केयर माइनस 45 वाई स्केयर ना तो 20 किसी का स्केयर है ना 45 किसी का स्केयर है जो किसी नंबर का स्केयर नहीं बनता तो कॉमन लेना पैंदा आप कॉमन लें 20 जैड स्केयर में आप ब्रेक करांगे 2 इंटू 5 इंटू जैड
टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू जेड जेड स्केयर। 45 नू ब्रेक करो, 45 वाई स्केयर, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन फाइव जा 45 वाई इंटू वाई। 45 नू की लिखा 3, 3 एंड 5, वाई स्केयर नू की लिखा वाई इंटू वाई, तो कॉमन की आ गया अपने को 5। सब तो पहला 5 कॉमन कटिया, बाकी बचा 2 इंटू टू 4, 4 जेड स्केयर, माइनस का साइन माइनस आ गया सेम। ओके 3, 3 जा 9, नाल की आ गया वाई का स्केयर। हुण 4 किंदा स्केयर हुंदा है 2 का, 9 किंदा स्केयर है अपने को 3 का, तो अगे आपां इहनू फिर ब्रेक करांगे, 2 जेड होल स्केयर माइनस 3 वाई होल स्केयर। 4 जेड स्केयर किन्ना हुंदा है 2 जेड का होल स्केयर, 9 वाई स्केयर नू की लिखांगे 3 वाई होल स्केयर। हुण दोवां उपर स्केयर विचाले माइनस, आंसर किन्ना आया एक वार प्लस 2 जेड प्लस 3 वाई, दूजी वार माइनस 2 जेड माइनस 3 वाई, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये सी अपने कोल क्वेश्चन नंबर 3 दे सारे पार्ट ए तो लैके एच तक। नैक्सट वीडियो दे विच आपां लास्ट नू सॉल्व करांगे, जिंदे विच आपां सम ऑफ जीरो ते प्रोडक्ट नू आपां फाइंड करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नाइन्थ क्लास भी सेम क्वेश्चन यूज़ होंगे, सेम टेंथ विच यूज़ होंगे, तो जो नैक्सट पार्ट है अपने को इस एक्सरसाइज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आपां नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे।